जाने से पहले यहाँ पे फोटो शूट करती हुई हमारी गांव घर की महिलाएं बोलो गोरा मैया की मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 10 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ आज भैंसूड़ी से। तो ना कल हम यहीं रुके थे, रात को भजन कीर्तन हुए थे और बहुत बढ़िया खेल लगे थे और बारिश भी बहुत तेज आ रही थी, उस वजह से ठंडा भी हो रहा है, स्वेटर भी पहन लिया सुबह सुबह। तो यहीं रुकी और आज यहीं से आठों में शामिल होंगी। तो मैं अभी बुआ लोगों के घर पर हूँ और सोच रही थोड़ी बहुत ककड़ियाँ तोड़ लूँ, क्योंकि यहाँ पे ना छोटी छोटी वाली ककड़ियाँ बहुत सारी लगी हैं और मेरे ससुराल साइड भी अभी ककड़ियाँ लगी नहीं है और मेरे मायके साइड तो बेर ही नहीं है उधर को। तो दो तीन ककड़ियाँ तोड़ते हैं छोटी छोटी खाने के लिए नमक के साथ। जो छोटी वाली होती है ना वो खाने में टेस्टी भी होती हैं और जो बड़ी होती है जिनके अंदर बीज होता है वो खाने में भी स्वादिष्ट भी नहीं होती है। तो दो चार डाका डालते हैं इधर, ककड़ी की तो गाली भी लगती है बस चोर की भी। तो मैं खेत में आ गई हूँ नाश्ता वगैरह करके ककड़ी ढूंढने के लिए। पर ककड़ियाँ हैं देखो इतनी बड़ी हो रही है, मतलब छोटी छोटी हो रही है, बड़ी तो क्या ही हो रही है। तो मेरी नज़र बहुत तेज है, चील के जैसी निगाह है, तो मेरे को ही मिलती हैं सब जगह से। तो मुझे मिली है तो मैं तोड़ती हूँ, फिर मायके में तो कोई गाली भी नहीं करता है तो इसीलिए तोड़ने में भी मज़ा आता है। तो अगर हमारे पास आँसी उपलब्ध ना हो ना तो ऐसे घुमा घुमा के ककड़ी तोड़ी जाती है। देखो ये, इसको घुमाऊँगी अपने आप ही टूट जाएगी अभी। अगर मैं नीचे को खींचूंगी ना फिर पूरी बेल आ जाएगी नीचे, फिर दोबारा ककड़ी लगेंगी नहीं उसमें। इससे अच्छा कि घुमा घुमा के ही तोड़ो इसे। देखो तोड़ दी है मैंने। हाई ककड़ी झिले माँ लूणा पिसो सिले माँ उमाया तू बैठी रह छे मेरे दिले माँ। क्या हाल बना साला बतर वालो गाचन गावी है देख नाम से कितने चाहिए हैं पर राइट हिटो पे ले जाओ एक गांव का हमेशा मिटर में वही तो गांव भर का ये इतना अच्छा लगता है खाना चुले घर को जाओ वो होटल ना बनो मरियान वही तो शिज्ञान को बुआ है आई मीन देख देख बहन ने हमारे ब्लॉग से आज आए बैठ शिक्षा ना हूँ खान बनूं आज गबा हाथ चाहूँ ना नूं नंतान ने आ रहे हो ये आठ फुल ये आठ फुल वाले दांत खाते हैं खाली जा दे बुआ तो मीन घर की ककड़ी वहाँ से तोड़ के लाए यहाँ के बांट रहे हैं तोड़ के लाए ने एलहाल मनवा भी तमीन तमीन दमागुल ओ हो ले जिया साहब है एलहाल बोलो हरियाणा वाले मनु पट्टन है रे हब झड़वा झड़ू है ओहो यहां तो बड़ी मुनो रबा मारी तमा झड़ू पट्टन है रे ने नहीं 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 रे छन ही ने पट्टे छनी थाड़े हां अब एक बो ना आद बोलो अरे चाप पट्टन ने घाती मासी छमास छमास चा छमास स्वाद ले उनन अगले लगा दे ब्यू रख दिया हाल ओहो ठीक से रख दिया हां ब्यू रख दिया बुबू हां ब्यू रख दिया मोड़े मोड़े अंतर नहीं बने चाव पर ढल रहन बालियो कहा बाकी सब तो ठीक है यार। यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहा है, नेट ही नहीं चल रहा है, ब्लॉग अपलोड भी नहीं हो रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं परिधर में, वहाँ नेट चलता है बोल रहे हैं, क्योंकि ना मुझे यहाँ का आइडिया तो नहीं है नेट कहाँ पे चलता है कहाँ पे नहीं चलता है।
अपने गांव का आइडिया हुआ, कभी छत में जाती हूँ कभी रोड में जाती हूँ ब्लॉग अपलोड करने के लिए या कोई भी छोटी मोटी वीडियो अपलोड करने के लिए। और यहाँ वाले से पूछा तो कह रहे हैं परिधार में चलता है, तो वहीं जाते हैं आज का ब्लॉग अपलोड करते हैं, वरना फिर ऐसे ही रह जाऊँगी दिन भर। फिर हमने खेल भी लगाना है, तो मुझे दूसरी साइड अपने घर भी जाना है, वहाँ की कैमरा भी पहुँचानी है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, आज का ब्लॉग नहीं आ पाएगा, इसीलिए वहाँ जाते हैं अपलोड करके आते हैं। तो गोया का लिया परी धर ली नहीं गया एक दर नहीं चले, मेरे दिमाग खराब है मेरे तक बाई गॉड, अब ये ब्लॉग जही न जाने में तो वही उम्र चले नेट करती यार छी परेशान है मेरे नेट देख भर। तो दोस्तों मैं तैयार होके आ चुकी हूँ मंदिर के पास में, और आपको भी दर्शन कराते हैं इनके। और आठों के खाल में ना खेल शुरू हो चुके हैं, ठूल खेल लग गया है, और हम लोग अब जाएंगे उसके बाद खेल लगाएंगे। तो आज का ब्लॉग ना थोड़ा थोड़ा ही शूट किया है मैंने, सुबह से टाइम भी नहीं हुआ और यहाँ नेट भी नहीं चल रहा, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई हूँ नेट की वजह से, बाकी तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। तो बुआ लोग सब तैयार होकर चले गए हैं और दीदी और मैं अभी, तो दीदी तैयार हो रही है और मैं तैयार हो गई हूँ, अब हम भी जाएंगे आठों की खाल में। तो आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे ब्लॉग से बोर नहीं हो रहे होंगे, आप लोग भी हमारी तरह आठों सातों इन्जॉय कर रहे होंगे, हमारे खेलों को इन्जॉय कर रहे होंगे, हमारे डांस को इन्जॉय कर रहे होंगे। तो आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं कमेंट जरूर करना। तो ये हमारी चाची और हमारी दीदी, कितनी सुंदर है यार चांद का टुकड़ा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, आप बताओ आप कैसा? मुझे तो बहुत टाइम नहीं, मैं आती रहती थी बचपन में, लेकिन आज बहुत टाइम बाद आ रही हूँ, शादी के बाद पहली बार आ रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है, आते रहना आते रहना। तो दोस्तों कॉमेंट करना, मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई है, कैसी लग रही है आप लोगों को? और इतने दिन में मैंने अलग अलग साड़ियाँ ही पहनी है, तो आपको कौन सी वाली साड़ी सबसे बेस्ट लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताना, उनमें से एक भी मेरी नहीं है, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। तो चलते हैं, अब ठूल खेल भी लग गया है यार, हम लोग थोड़ा लेट ही हो गए हैं, वैसे हम रोज लेट होते हैं। जाने से पहले यहाँ पे फोटो शूट करती हुई हमारी गाँव घर की महिलाएं Oh, oh, oh.
घर हो पानी हूं देश को जाली कुमाला ए, 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 सर संभति बाबर ने गए मेरी रूप हड़ रह गए थाना आया पुता लले क्यों हया हड़ रातनी मैं दिन भोगा जमल भल के जाए पावन डिग्री कॉलेज भन डिग्री कॉलेज ए चार बजी पागल बहुत थोड़ी लगी मेरी तेले क्या कैसी को मामे की सिंदर की को तेरे तो है जी को तुझे बाहर में चंगी पटाना दाजू कुर्ते कॉलर में मेरी मधुनी जा रे ब्यूटी पार्लर में साग में चुपनेरी तेज सोर चार मुनी दाजू मैं जसो खने वही तालगू मेरो मैं तम मालगू जने छू ओ यार पेजको साग में फूल क्यों खने छू। तो दोस्तों मैं वहाँ के ऑटो छोड़ के आ चुकी हूँ घर पे, क्योंकि आज ना गांव में भी कमरा पहुँचानी है, तो यहाँ पे ना कोई चेल बट्टियाँ नहीं है, कोई लड़की अपने मायके नहीं आ रखी है, तो आज मुझे मौका मिला है कमरा को सर में रखने का। होता है कि जो चेल बट्टियाँ होती है, जो लड़कियाँ होती है वो अपने मायके आती हैं, और गौरा माँ का जो डोला होता है ना वो लड़कियाँ ही अपने सर पर रखती हैं और मंदिर तक पहुँचाती हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कोई नहीं आया था, तो आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। तो गांव वाली ऑटो भी थोड़ा सा आपको दिखाते हैं और फिर सुंदर सा मंदिर भी दिखाएंगे जहाँ पे हम लोग गमरा पहुँचा के आएंगे। तो चलते हैं। यहाँ पर है गौरा और महेश्वर का मंदिर, सुंदर सा बना रखा है आप देख सकते हैं। ये हमारे गांव की कमरा है और यहाँ पे ना बहुत सारे पकवान भी पके हुए हैं, आज इनको विदाई देना है। और यहाँ पे खीर बनी हुई है, पूरियां बनी हुई है, हलवा बना हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। तो पहली बार सुन रही हूँ लगुंदन का गवार पूजन पका शून लगुंदन का पहली बार सुन रही हूँ। पहली बात तो कमरे के शूट लगू जान का मुन्नी चाचा।
जय किस्मत में ओलाई जाल जय ठुल ठुल का घर छोड़ो पांच बार करंच फिर जाए फिर जाए बिना मैं सर फिर जाए फिर जाए बिना मैं सर जय हो बोलो गोरा मैया की ओहो खोल दे माता खोल भवानी धारा माँ के वाड़ा ओहो फूल पाती चढ़ू लो तो दोस्तों मंदिर में पूजा पाठ भी हो गई है और गमरा को भी पहुंचा लिया है आज तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे आज गमरा महेश्वर की पूजा में शामिल होने में तो अब घर की ओर चलते हैं यार रात हो गई है चप्पल ऊपर ही है मेरे लो फिर लो चलते लो तो मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो के साथ पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना बाय बाय।